Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट बदल रहा है। अब लोगों को धूप नहीं उमस परेशान कर रही है। हालांकि सुबह से बादलों की आवाजाही और ठंडी हवा चलने की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। आगरा जिले में शनिवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज किए जाने से उमस बढ़ी रही। उमस ज्यादा होने से शहरवासी बेचैन नजर आए। यमुना पार, फतेहाबाद रोड, बरहन व अचनेरा में बारिश हुई। शाम को हवा चलने से शहरवासियों को राहत मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 जून से निरंतर बारिश की संभावना है। 26 जून को बारिश व गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। 27 व 28 जून को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बारिश या आंधी आ सकती है। बरेली में गर्मी का प्रकोप अब कम हो चुका है। शनिवार सुबह से छाए बादलों के बाद दोपहर में हुई हल्की बारिश ने लोगों को राहत की सांस दिलाई। हालांकि उमस की वजह से शरीर में चिपचिपाहट शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आने वाले मानसून की अनुमानित तारीख घोषित कर दी है। बरेली में सोमवार से मानसून सक्रिय होना बताया जा रहा है। गोरखपुर में मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शनिवार को कुछ स्थानों पर हुई छिटपुट बारिश के जरिए मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब ये क्रम जारी रहेगा। 3 दिन तक लगातार बारिश होने के बाद मौसम विभाग की ओर से ये बारिश को मानसूनी बारिश घोषित कर दिया जाएगा। शनिवार को हुई छिटपुट बारिश ने ही गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत दिला दी। कानपुर में बीते 3 दिनों से तापमान में गिरावट से काफी राहत महसूस की गई। बीते 48 घंटों में कोई भी अज्ञात शव न मिलने से अब पोस्टमार्टम हाउस में पहले में रखे सभी अज्ञात शवों का निस्तारण हो गया है, जिससे डॉक्टरों के साथ ही पोस्टमार्टम के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। बीते 51 दिनों में शहर में 309 अज्ञात शव मिले थे। वहीं पुलिस ने कई अज्ञात व अज्ञात शवों के पंचनामा भरने के दौरान गर्मी से मौत होने की बात लिखी थी। हालांकि इसके बावजूद राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार शहर में किसी भी व्यक्ति की हीट स्ट्रीक से मौत नहीं हुई है। मेरठ में मई और जून में सूरज देव के प्रचंड तेवरों से आम जनमानस त्रस्त हो गया था। 4 माह से रूठी बरसात पिछले 2 दिनों से कुछ मेहरबान नजर आई। प्री मॉनसून सीजन में 16% बारिश हुई। जून में भी अभी तक केवल 6 मिलीमीटर बरसात हुई है। लगातार 4 महीने तक बरसात का टोटा होने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। फसलों की लागत में बढ़ोतरी हो गई है। मार्च, अप्रैल और मई तक 3 माह प्री मॉनसून बरसात के माने जाते हैं। मेरठ में मानसून का आगमन की तारीख 28 व 29 जून मानी जाती है, इसलिए जून में होने वाली बरसात को मॉनसून सीजन का माना जाता है। प्री मॉनसून सीजन में मात्र 11.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि प्री मॉनसून सीजन में सामान्य बरसात का आंकड़ा 68.6 मिलीमीटर होता है। प्रयागराज में भी मौसम ने शनिवार की भोर से अचानक अपना रुख बदल लिया। बारिश ने यमुना पार से लेकर गंगा पार तक कई इलाकों में गर्मी को हवा में उड़ा दिया। हालांकि शहर के कई इलाकों में लोग बारिश का इंतजार करते रहे, पर उनको तेज हवाओं से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि अधिकतम तापमान में आई गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन शाम को उमस बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञानी के मुताबिक 24 जून तक प्रयागराज में अच्छी बारिश की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जून के महीने में अब लोगों को गर्मी से लगातार राहत मिलेगी। बनारस में मॉनसून की यात्रा भले ही 24 घंटे पहले के स्थानों पर ही अटकी पड़ी हो, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इससे रह रहकर कहीं कहीं हुई छिटपुट बारिश ने मौसम सुहाना तो बनाया, तापमान भी घटाया, लेकिन पूर्वा हवा के साथ आ रही भरपूर आर्द्रता के चलते उमस भरी गर्मी ने पसीना भी खूब छुड़ाया। हवा बंद होने या हवा से आड़ होते ही ऐसा लगता है मानो देह उबल पड़ी हो और पसीने के रूप में शरीर का सारा पानी निचोड़ रहा हो।